वे, क्या कर रही है? वो सब दो मिनट बस, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। खड़े हो कहीं और जाए करिए, सब चल निकल यहाँ से। अरे ओ, ये सब काम यहाँ पे मत करो, कहीं और जाओ। थोड़ी देर बस। अरे क्या थोड़ी देर, एक काम कर, सामने ना बाथरूम है, वहाँ जाके कर ले। मैं अपनी बच्ची को खाना खिला रही हूँ, आप खाते हो क्या बाथरूम में खाना? अरे एक तो मेरे घर के बाहर बैठ के ये सब कर रही है और ऊपर से मुझसे बकवास कर रही है। अरे क्या हो गया? देख रहे मम्मी बैठ गई है हमारे घर के बाहर और ब्लाउज उठा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। तो क्या कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, बैठी रहने दे। अरे दूध पिला रही है तो हमारे घर के बाहर क्यों बिठा रही है? देखो आस पड़ोस वाले देखेंगे, पता नहीं तो क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे, बच्चे को दूध पिला रही है और दुनिया का हर बच्चा माँ का दूध पीता है। अरे मम्मी यार, एक तो तुम्हें ना हमेशा मेरी गलती निकाल ली है हर काम में, ये नहीं की बोल दूं उसे वो तुम्हारी सगी है क्या या मैं तुम्हारा सगा हूँ। हटो यार, दिमाग खराब कर दिया। तू अंदर चल। अच्छा यहीं कहीं आसपास रहती हो? नहीं, बुलंदशहर। अच्छा यहाँ पर कैसे आई? काम के सिलसिले से आ। अरे मम्मी तुमने यार इसको घर के अंदर तक घुसा लिया। हाँ तो क्या हो गया, बाहर गर्मी है और बच्चा साथ में, बैठ गई तो क्या हुआ? तुम्हें अकल वकल है या नहीं है, किसी भी अनजान को ऐसे अपने घर के अंदर बैठा लोगी साथ में? मेरी अकल की छोड़, तू अंदर जा मैं देख लूंगी। मम्मी वो कहाँ गई? वो तो चली गई। यहाँ बुक के नीचे मेरे पैसे पड़े थे। ये पड़े तो हैं। ये क्या, ये तो 5,000 है, मेरे तो 10,000 रुपए थे। 5,000? देख लिया, ले गई 5,000 रुपए चोरी करके, हम अगर पैसों का नुकसान करा दिया। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ कि किसी भी अनजान आदमी को घर में ऐसे मत घुसाया करो, क्या पता कौन किस नियत से घुस रहा है। अब मुझे नहीं पता, तुमसे लूंगा मैं 5,000 रुपए। तू? हाँ जी आंटी, नमस्ते। बताइए क्या लेंगे आप? कुछ नहीं। सुनिए तो क्या हो गया? उस दिन ना हमारे साथ तूने अच्छा नहीं किया। मैंने ऐसा क्या कर दिया? टेबल पर 10,000 रुपए पड़े थे, 5,000 रुपए लेके चली गई। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। उस दिन झूठ क्यों बोला तूने? मैंने कब झूठ बोल दिया तुमसे? कि वो पैसे चुरा के लेके गई है। अरे तो सच में चोरी करके गई थी, झूठ थोड़ी बोला है कोई। बस बस, बोला बनने की ना कोशिश मत कर, समझी? वरना मैं कहीं और से ले लूंगी सब्जी। सुनिए आंटी जी, मैं सच बोलती, मैंने कोई चोरी नहीं करी आपके घर से। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? कोई माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाती ना। मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं करी। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसे रास्ते अपनाएगा, झूठ बोलेगा मेरे से कि वो घर से चोरी करके गई है। एक बात याद रख, कोई भी माँ ना अपने बच्चे के लिए लाचार हो सकती है, मजबूर हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, जैसे मैं तेरे लिए, तेरी भलाई के लिए, लेकिन चोर नहीं हो सकती। सॉरी 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 यार।